हमारी नाक का कोई मसला है, ये मसला तो शरीयत के कानून का है जी, कि हम न मस्जिद को दे सकते हैं और न मस्जिद की जगह के बदले में कोई दूसरी जगह ले सकते हैं। हमने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, वो तीन दिन से कमेटी इसके ऊपर विचार कर रही थी। आज अभी मैं वहाँ से निकला हूँ तो मुझे पता चला है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जी, और वो ये कहते हैं कि बावजूद है कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया, बावजूद है कि हमने 70 साल मुकदमा लड़ा और हमें हमारा हक बाबरी मस्जिद नहीं मिली, बावजूद है कि हम ये जानते हैं कि रिव्यू हमारा 100% खारिज होगा, लेकिन हमें रिव्यू के अंदर जाना चाहिए जी। हमारे यहाँ भी इस मसले में इख्तलाफ था। सरकार कह रही है जब जब फैसला सबने मान लिया तो जबरदस्ती रिव्यू का क्या मकसद आपको लगा? सबने क्या माना है? हम तो नहीं मान रहे हैं फैसले को, हम तो ये देख रहे हैं कि फैसला इब्तिदा में दाहिनी तरफ और इंतहा के अंदर बाईं तरफ जब कहा जा रहा है कि मंदिर नहीं तोड़ा गया, इसका मतलब यह है कि वो मस्जिद अपनी हालत में माहौल बिगाड़ने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, माहौल नहीं बिगाड़ना, हम नहीं, हम सबसे कहते हैं कि शांत रहें, ये तो हमारा एक हक है, जैसे मुकदमे का हक था वैसे इसका भी हक है।